दोस्तों आप लोग रवि कुमार को जानते हैं, एक्सपोज वाले नहीं जो हिमेश रेशमिया रवि कुमार बने थे वो वाला नहीं दोस्तों, ये रवि कुमार जो है ट्विटर में है। इन्होंने दोस्तों एक्सपोज करने के जगह पे आज खुद एक्सपोज करते करते इनके साथ एक्सपोज हो गया। गजब बेइज्जती। वो यूं हुआ दोस्तों कि इन्होंने Xiaomi 12 Pro मंगाया दोस्तों अमेजोन से, जब खोला तो डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा और गोल गोल हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं स्क्रीन में इनके साथ फ्रॉड हुआ है दोस्तों। तो कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करिए तो उनको मतलब सामने मोबाइल रख कर और सिंगल वीडियो पे आप कैप्चर करिए और अनबॉक्स करिए। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके साथ कभी डब्बा हुआ है, डब्बे के अंदर डब्बा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। तो दोस्तों कुछ अपडेट आई है रेडमी नोट 10 प्रो के ऊपर, उस पर डिटेल वीडियो किया है, जाइए देख लीजिए। आप बात करते हैं पोल की। हमने आपसे जबरदस्त पोल पूछा था कि हम जो फनी वाला काम करते हैं जैसे अभी आपने देखा, तो दोस्तों वो आपको सही लगता है? 91% लोगों ने कहा कि हाँ भैया सही है, बाकी के 9% लोगों ने कहा कि नहीं सही नहीं लगता उन्हें। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं WhatsApp की। WhatsApp दोस्तों एक अननोन फीचर लाने वाला है। अब दोस्तों ये अननोन फीचर क्या करेगा कि कोई भी अननोन नंबर आपका दोस्तों वहाँ पर जैसे ही मतलब डालेगा, सेव वगैरह करेगा नाम वगैरह, तो उसके बाद दोस्तों WhatsApp में आपका नंबर उसको नहीं दिखेगा ना उसका आपको दिखेगा। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, तो सेव कैसे करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम दोस्तों फुल विंडो फीचर्स पे काम कर रहा है, जैसे फोटो हो गया, रील हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो दोस्तों पूरा का पूरा स्क्रीन पे काम करने वाला है। मतलब जो तिगड़म चीज होगा वो हाइड हो जाएगा या हट जाएगा या दोस्तों ब्लर करके कुछ आएगा, लेकिन आने वाला है। आपको दोस्तों जब आएगा तो कैसा लगेगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्लास्ट की। यार हमारे टेक न्यूज में दोस्तों ब्लास्ट का मतलब होता है ओला। गजब बेइज्जती है। ओला दोस्तों 15 अगस्त को लॉन्च करने वाला है अपना इलेक्ट्रिक कार। इनका इलेक्ट्रिक कार जमीन में मतलब ट्रक वगैरह में चढ़ते चढ़ते ब्लास्ट हो जाता है, तो कार वगैरह का क्या आसमान में उड़ते उड़ते हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इनका कार खरीदने का आप सोचेंगे या नहीं? चलिए दोस्तों बात करते हैं अब जीएसटी की। इंडिया में दोस्तों जीएसटी हर चीज पे लग रहा है, आपको पता ही है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो करोड़ों रुपया का है और जिसको आप खरीदेंगे तो 0% जीएसटी देना होगा दोस्तों इंडिया में, वो है दोस्तों स्पोर्ट्स कार। इंडिया आज दोस्तों इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई है कि स्पोर्ट्स व्हीकल अगर आप लेते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है, वो भी इलेक्ट्रिक होना चाहिए। आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए। तो टेस्ला का क्या जो भी है जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्लिपकार्ट में दोस्तों एक लुक्स करके कंपनी है दोस्तों, वो टीवी बेच रहा है जो 2799 रुपए में आपको एक 32 इंच का टीवी देगा। अब ये न्यूज फेक है या सही है आप जाके रिसर्च कर लीजिए, हम भी करेंगे दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिले। दोस्तों मेरा एक सवाल है कि रियलमी पैड हो गया या ओप्पो का पैड हो गया या फिर वीवो का पैड हो गया या फिर Xiaomi का पैड हो गया, तो वो आपको लगता है कि ओवर प्राइस, आपको ऐसा लगता है दोस्तों? लेकिन एलजी ने अपना एक टैबलेट या पैड बोल सकते हैं लॉन्च किया दोस्तों यूरोप में, जिसकी प्राइस है 26,000 रुपए। अब बोलेंगे कि भैया एप्पल को बीट करने के लिए आया, लेकिन स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, 10 इंच का IPS डिस्प्ले है और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। आपकी क्या राय है अब इसके बारे में? तुमसे ना हो पाएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अतरंगी न्यूज़ की। अतरंगी न्यूज़ के मामले में दोस्तों आज है लास वेगास। लास वेगास में दोस्तों क्या हुआ कि एक बंदा था टी मोबाइल कंपनी का ओनर, वो उसका नाम कुछ लिंग जुंग कर पिंग पुंग करके कुछ था दोस्तों। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो मैं भी नहीं बोल सक रहा, हिंदी में लिखा हुआ और समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि वो फोन को अनलॉक करते करते 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज के हिसाब से कमा लिया है। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है। आपके एरिया में या कहीं पर दोस्तों जो भी अनलॉक करते फोन वगैरह उसका नाम दोस्तों कमेंट में। तो चलिए दोस्तों वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो हर्ष भाई का सवाल है कि आप जो Redmi Note 10 Pro पे अपना सुपर लाइव वॉलपेपर रखे हैं वो बैटरी कितना खाता है? वो बैटरी इतना खाता है भैया जैसे समझ गए एक चुटकी सिंदूर। तो दोस्तों इस तरह का कुछ है, मजाक कर रहे थे दोस्तों। तो ज्यादा बैटरी नहीं खाता, थोड़ा बहुत खाता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको जबरदस्त मिलता है। तो आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, लेकिन अगर रखेंगे तो ज्यादा बैटरी नहीं खाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही कम खाता है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं आप सैमसंग की। सैमसंग का दोस्तों सैमसंग फोल्ड 4, अब दोस्तों इसमें से जेड हट गया है इसलिए दोस्तों सैमसंग फोल्ड 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों डिस्प्ले साइज बाहर आ गया है, बाहरी डिस्प्ले जो है दोस्तों 120 हर्ट्ज के साथ आएगा और अंदर भी 120 हर्ट्ज के साथ आएगा। बाहरी डिस्प्ले का साइज जो है दोस्तों 6.2 इंच का और बहुत ही बेजल लेस दिख रहा है, लेकिन अंदर का दोस्तों 7.6 इंच का है जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, वो भी बेजल लेस दिख रहा है। और इस बार दोस्तों कुछ प्रीमियम लुक पे आने वाला है। इसका पेन वगैरह जो आप देख सकते हैं साइड में दिख रहा है, आपको दोस्तों ये कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वही दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की अगली खबर की। दोस्तों वन यूआई 5.0 ये दोस्तों रोल आउट हुआ है बीटा टेस्टर के लिए और दोस्तों ये जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी S22 में हुआ है। आपके पास ये फोन है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप शॉमी की। शॉमी की तरफ से दोस्तों उनका जो आ रहा है K50 एक्सट्रीम एडिशन, ये जो है दोस्तों 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएगा। वहीं दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को शॉमी दोस्तों अपना एक मी बुक प्रो राइजन एडिशन लॉन्च करने वाला है चाइना में। काफी जबरदस्त होगा दोस्तों, लेकिन इंडिया में जब आएगा तो 40-45 हज़ार रुपए इसका प्राइस होने वाला है राइजन 5000 का। आपकी क्या राय है दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब रियलमी की। रियलमी का 995G आपको पता है कि 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, लेकिन इस बार दोस्तों इसमें जबरदस्त ये होगा कि डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर होगा, वो तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात यह है कि कैमरे में ये लोग मजाक नहीं करेंगे। इस बार 64-8.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है 15000 से ऊपर जाएगा कमेंट में अपनी राय। वही दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों रियलमी अपने ओल्ड फोन में भी दोस्तों अपडेट दे रहा है, जैसे दोस्तों रियलमी X3 किसके किसके पास है कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों X3 को रियलमी UI 3.0 का अपडेट मिल चुका है, तो जाइए करिए और बताइए कैसा। बात करते हैं अब एक ऐसा ब्रांड जो दोस्तों सिर्फ चमन समझता है खुद को या दोस्तों दुनिया को। वाह क्या सीन है। ऐसा बताया जा रहा है कि नोकिया दोस्तों एक ट्वीट किया और बताया है कि हम दुनिया से जो स्मार्टफोन यूजर्स है उनका आदत को छोड़ा देंगे अपना स्मार्टफोन लॉन्च करके। और उनका स्मार्टफोन जो है दोस्तों लॉन्च आज इंडिया में हुआ है 110 नोकिया, ये जो है दोस्तों 1700 रुपये का है। अब हंसिएगा नहीं दोस्तों, लेकिन बात ऐसा है कि दाद देना पड़ेगा इनके दोस्तों हिम्मत की कि ये 1700 का है और ये बोलते हैं कि सबसे चीपेस्ट फ़ोन है। तो ये अपने चचा को भूल गए जिनका नाम है जियो उनका दोस्तों देख लीजिए। खैर बात करते हैं दोस्तों इस फोन में क्या है, नॉर्मल सा डिस्प्ले है, TFT डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा, कीपैड वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन ये पहले क्या कर रहे थे कि दुनिया एंड्रॉयड की तरफ भाग रहा था तो ये विंडोज़ की तरफ भागे। उसके बाद दोस्तों ये क्या किए, फोन लाए लेकिन इतना महंगा लाए कि कोई ले रहा नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों आने वाले टाइम में आप 4G फ़ोन कीपैड वाला यूज़ करना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल की। तो दोस्तों गूगल डूडल के थ्रू एक मैसेज दिया है आज इंडिया को कि वो दोस्तों उड़ान करके एक सर्विस लाने वाले हैं जो दोस्तों यहाँ के कुछ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके होगा, और ये दोस्तों आज़ादी का 75वां साल है इस वजह से दोस्तों ये होने वाला है। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में गूगल से हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि पिक्सल 7 और दोस्तों फोल्ड, जो दोस्तों गूगल का पिक्सल फोल्ड आने वाला है उसमें टेंजर चिप होगा और इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो गई है, जो दोस्तों बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म, बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो दोस्तों पहला तो डील्स भी है और जबरदस्त ऑफर भी है आईकॉन न्यूज 6, इसमें दोस्तों 2 साल की वारंटी अब आपको देखने को मिलेगी और इसकी जो प्राइस है 25,999 रुपये। काफी जबरदस्त फोन है और कैमरा भी काफी जबरदस्त है और गेमिंग के लिए तो दोस्तों ये बाप है। तो भेज तेरे बस की बात नहीं। वही दोस्तों बात करते हैं शॉमी की। तो शॉमी के स्टोर में दोस्तों फ्रीडम सेल चल रहा है, जो दोस्तों उसमें पंखा वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जिसमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों शॉमी का 12 प्रो जो है 13,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, इसकी जो प्राइस अभी दोस्तों 49,990 50,000 में दोस्तों ये मिल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया नया बना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल आ रहा #AskRadha, तो जो भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।